सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पनीर चिल्ली बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं इसको बहुत ही आसान और इंस्टेंट तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आइए हम देख लेते हैं हमको पनीर चिल्ली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पनीर चिल्ली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है और इसको इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने चिंग सीक्रेट पनीर चिल्ली मसाला पाउडर लिया है। ये रेडीमेड मसाला है और इसको ऐड करने के बाद आपको और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट मसाला है। और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, इसमें एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, एक गाजर है और एक प्याज है। इन सभी को मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और गार्निशिंग के लिए मैंने एक स्टॉक हरी प्याज का लिया है और यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं। हरी मिर्च की क्वांटिटी आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और 2 से 3 टेबलस्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम 300 ml पानी ऐड कर देंगे, यानी कि 1.5 कप। और अब हम इसमें चिंग सीक्रेट पनीर चिली मसाला ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें किसी तरह का कोई लंप नहीं हो। अब हम एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे और तेल के गरम होते ही हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाए। और अब हम इसमें गाजर, शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें इस तरह से फ्राई करना है कि सब्जियों का क्रंच बना रहे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमने सभी सब्जियों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम पनीर को फ्राई करेंगे। हम इसको हल्के हल्के हाथों से फ्राई करेंगे ताकि पनीर टूटे नहीं। ये देखिए, पनीर को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें चिंग सीक्रेट पनीर चिली मसाले का जो हमने मिक्सचर बनाया था पानी के साथ, वो ऐड कर देंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। या फिर आप इसको जब तक पका सकते हैं जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप थोड़ा देर और पका सकते हैं। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर पका लिया है और हमारा पनीर चिली बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी प्याज को गार्निश कर लेंगे और एक मिक्स देंगे और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। अभी इस आसान तरीके से पनीर चिली की रेसिपी को ट्राई कीजिए और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।